ये पुरानी इमारतें और ये जो है ना, यही जो बेटेल्स आश्रम है उसी के अंदर ये सारी चीजें हैं, और बाहर से जो है ये कुछ इस तरीके का दिखता है। अभी मैं मुझे एक छोटा सा रास्ता मिला है, बिल्कुल जंगल सा लग रहा है, तो मतलब फॉरेस्ट वाला, तो अभी मैं उस पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या उस पर भी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए हमें मिल सकता है, क्या कहीं हम गंगा के किनारे पे पहुँचेंगे, या जो ये केव्स आपको इस तरह की जो छोटी छोटी कुटियाँ यहाँ से अगर आपको नज़र आ रही हैं तो क्या ये वहाँ पर जाने का रास्ता है। तो अभी मैं चलते हैं, देखते हैं, इस तरह का रास्ता है बिल्कुल। ये साइड में जो है गंगा माँ बह रही है, गंगा बह रही है साइड में, और या ये रास्ता बिल्कुल जो छोटी छोटी कुटियाँ हैं वहीं पे आके और ये ख़त्म हो जाता है। या हेलो, तो आई थिंक चीज़ जो 84 कुटियाँ हैं इन्हीं को कुटिया कहा गया है, और ये पूरे आश्रम में 84 यानी कि 84 के आसपास होंगी। तो ये इस तरह की जो है पूरी 84 कुटियाँ आपको नज़र आएंगी, और अभी मैं इनके आसपास की बात करूँ तो काफ़ी ये ठंडा सा लग रहा है, जैसे कि किसी सुरंग में या किसी ज़मीन के नीचे हम आ गए हों, तो इस तरीके का काफ़ी ठंडी ठंडी वेव्स आ रही हैं। और ये इस तरह की जो हैं ये कुटियाँ हैं, तो ये पुरानी चीज़ें हैं। पुरानी चीज़ें अगर आपको देखना पसंद है और कुछ ऐसी पुरानी इमारत और ये पुरानी पुरानी चीज़ें जो इन चीज़ों को देखकर आप आज के टाइम से रिलेट नहीं कर पाएंगे कि आज भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, नहीं तो ये पुरानी पुरानी चीज़ें भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और देखी जाती हैं। तो प्लीज़ आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं और मिल जाएं। Yeah, it's a very beautiful.
अभी मैं ना मेरे आगे कोई है ना मेरे पीछे कोई है, और फिर ये पूरा जंगल में फॉरेस्ट एरिया है, और अभी इसी में हम चलते जा रहे हैं। अभी हम बाहर निकल चुके हैं फिलहाल, और मैं सोच रहा था कि यार किसी से एक फ़ोटो अच्छा सा क्लिक करा लेता हूँ, लेकिन अकेले ट्रैवल करने में, सोलो ट्रैवल करने में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको फ़ोटो खिंचाने के लिए भी किसी ना किसी को देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि जो आपकी कोई एक फ़ोटो ले सके, तो ये बड़ी समस्या आ जाती है। चलो फिर भी हम एक बार देखते हैं कि क्या कुछ और मिलता है या नहीं मिलता है, क्या है, कहाँ जा रहे हैं, वो सारी चीज़ों को देखते हैं। अभी मैं इस तरह के स्ट्रक्चर यहाँ पर जो ये इमारतें बनी हुई हैं, अभी एक जो है बोर्ड हमें दिखा है जिस पे लिखा है 1960, यानी कि ये जो आश्रम है 1960 से है, 1960 बहुत साल पुराना है। अभी थोड़ा सा इसके अंदर जाके देखेंगे कि अभी देखिए ये कितना बड़ा एक पेड़ है, शायद आई थिंक ये पेड़ यहाँ होगा और फिर गिर गया होगा, तो अभी मैं इस पे फंगस भी लग चुका है, तो ये फंगस इस तरह का, ये पूरा आश्रम जो हमने पूरी चीज़ें इस आश्रम के बारे में दिखाने की कोशिश करी है, और जो अंदर जाकर भी हमने दिखाया है, तो अंदर से कुछ ये इस तरह की चीज़ें देखने में मिल जाती हैं, काफ़ी पुराना है। और कुछ चीज़ें तो मुझे ऐसी भी मिली कि पता नहीं वो किस यूज़ के लिए बनाएगी, जैसे आई थिंक मुझे लगता है कि जो ये चीज़ें हैं, ये वाली जो चीज़ है, यहाँ पर कुछ योगी या ध्यान करने के लिए दोनों तरफ बैठा करते होंगे, और बीच में जो है ये हवन टाइप का होगा, हवन या इस तरह का कुछ चीज़ें बनाई गई होंगी, तो आई थिंक ये चीज़ें हो सकती हैं। और ये जो बिल्डिंगें हैं, अब ये 1960 से हैं, 1960 की हैं, ये इतने साल पुरानी हैं, और जो अभी तो खैर ये सब जो है मलवा बन चुकी हैं, लेकिन खड़ी हुई हैं और दिखाने के लिए, इन्हीं पे कुछ पेंटिंग्स वगैरह बाद में करा दी गई होंगी, तो जिससे थोड़ा टूरिज्म और टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। अभी मैं लगभग हमने आश्रम को घूम लिया है, और अभी घूमने अभी ये वही रास्ता है जहाँ से हम जो है आश्रम में आए थे, फिर भी एक बार हम कुछ देखते हैं कि कुछ चीज़ें और एक्सप्लोर करने के लिए हमें मिलती हैं या नहीं। तो ये इस तरह की पुरानी इमारतें आपको दिख जाएंगी,